एवरीवन, जय हिंद। आज 8 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 8 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सांची है ना, ये पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। यहाँ का उद्घाटन रिसेंटली हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में। नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में वी वल नाम की नियुक्ति की गई है। नौसेना कमांडर का जो दूसरा संस्करण है ये दिल्ली में शुरू हुआ है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार बने हैं रिसेंटली। मतलब अब तो ऐसी घोषणा ही हो चुकी है कि इंडिया नहीं, भारत के लिए भारत ही टर्म यूज किया जाएगा। ऑफिशियली जो नाम होता है इंडिया, अर्थात भारत राज्यों का संघ, जो कि आर्टिकल 1 में उल्लेखित है। डूरंड कप जीता है मोहन बागान ने। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीता है जैक जी ने। भारत का पहला यूपीआई एटीएम है, जो कि हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। इसके क्विज भी आप लोगों ने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर सॉल्व करी थी, और इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को वहीं पर शेयर कर दी थी। अब जैसा कि मैं बीते 2 दिनों से कमेंट पर ध्यान दे पा रही हूँ, तो इसमें आप लोगों का कहना है कि स्पीड ज्यादा रहती है वीडियो में, तो स्पीड को आज हम नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। जितना मैं बोल रही हूँ मेरे हिसाब से इतनी स्पीड तो काफी ही है समझने के लिए, और इससे कम में भी मुझे नहीं लगता सही होगा। ठीक है, तो इसी स्पीड के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस शहर में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट किए हैं? तो ये रिसेंटली शामिल हुए हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस साल का आसियान समिट है, जो कि जकार्ता होस्ट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 6 सितंबर की रात को दिल्ली से प्रस्थान किए और 7 सितंबर को वापस लौटेंगे। एक दिन की ही यात्रा, इतनी छोटी यात्रा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद ही G20 शिखर सम्मेलन ये दिल्ली होस्ट करने जा रहा है 9 और 10 सितंबर को। ठीक है, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर भी वैसे जकार्ता में ही है, और आसियान की जो 10 मेंबर कंट्री है ना, इसमें भारत शामिल नहीं है, ये आप याद रखें। ये तो भारत आसियान मेंबर सम्मेलन की आसियान कंट्रीज और भारत को लेकर के, लेकिन आसियान कंट्रीज में भारत शामिल नहीं है। जो कंट्री इसमें शामिल है, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार, ये 10 मेंबर कंट्री शामिल है। लेकिन इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसमें 11वीं मेंबर कंट्री जो शामिल होने जा रहा है ये हो जाएगा ईस्ट तिमोर। अब इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन इसी साल इसने अपनी नई राजधानी घोषित की थी, ये बनने जा रही है बोर्नियो। करेंसी इंडोनेशियाई रूपी, राष्ट्रपति यहाँ के जोको विडोडो हो जाएंगे। यहाँ सुमेरु ज्वालामुखी और माउंट मेरापी ज्वालामुखी दो यहाँ के एक्टिव वॉल्केनो हैं, जिनका नाम आप याद रख सकते हैं। अब इस स्लाइड में ना एक और इवेंट इंपॉर्टेंट है, G20 समिट इस साल भारत होस्ट कर रहा है, जरूर याद रखें। इस बार की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि एग्जाम में पूछी जा रही है, इसलिए आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तो दिल्ली में क्या आयोजित किया जा रहा है? G20 थीम जरूर याद रखें, मैं यहां पर लिख भी देती हूँ, वन अर्थ, अभी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है ना ये, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। जो हांसनबर्ग अफ्रीका में इस साल का ब्रिक्स समिट आयोजित किया गया, जिसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट ईयर का जो ब्रिक्स समिट होगा 2024 में आयोजित किया जाएगा कजान रशिया में। अब आप थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब भी मैंने ब्रिक्स का डिस्कशन किया है मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि ये समिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आयोजित की जाती है, जैसे कि पिछले साल का चाइना ने किया, इस साल का साउथ अफ्रीका ने, तो सेम ये रोटेट होगा। तो वैसे ब्राजील को होस्ट करना चाहिए, फिर रशिया को, फिर इंडिया को, फिर चाइना को, फिर साउथ अफ्रीका को, फिर ये रोटेट होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्राजील इसे होस्ट नहीं करेगा, ब्राजील के बाद होस्ट करने वाली जो कंट्री थी इसे होस्ट करना पड़ रहा है? रीजन है, ब्राजील ने लॉजिस्टिक इशूज के कारण
मना किया है, जिसके बाद से अब ब्राजील ना होस्ट करके अगले साल ये होस्ट करेगा कजान रशिया। आगे चलते हैं, किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का रिसेंटली 3 सितंबर को निधन हो गया। ये क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल गई थी, बस मुझे ये बताना था कि जो क्रिकेटर है किस देश से संबंधित है, तो ये जिम्बाब्वे से संबंधित है, वही जिम्बाब्वे जहाँ रिसेंटली नए राष्ट्रपति बने हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए पढ़ाई हुए, तो आप लोग इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो हीथ स्ट्रीक है, ये कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे रिसेंटली, 49, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 3 सितंबर को इनका निधन हुआ। वे 1,000 टेस्ट रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के एकमात्र क्रिकेटर भी थे, और सॉरी 1993 से लेकर के 2005, इन 12 सालों तक इन्होंने जिम्बाब्वे, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसके लिए क्या खेला है, क्रिकेट खेला है। साउथ अफ्रीका की यदि मैं बात करूं, तो साउथ अफ्रीका के कोई क्रिकेटर का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, कल ही बताया है, क्विंटन डिकॉक। क्या बताया था मैंने, वनडे क्रिकेट से संन्यास इन्होंने रिसेंटली लिया है। ये हो जाएंगे साउथ अफ्रीका की। भारत के जो पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी, इनका भी हाल ही में यानी कि इसी साल निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉन और एंड्रयू साइमंड्स, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है? तो कोरापुट के दो प्रोडक्ट हैं, काला जीरा और रायगढ़ शॉल, इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है। ये ओडिशा के प्रोडक्ट हो जाएंगे। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक, अब भी आप इसे कह सकते हैं। पहली बार इसे ये दिया गया था 2004 में। किसे दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिलता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है, ये जरूर याद रखें। बाद में फिर इसे फिर रिन्यू कराना पड़ता है। अब यदि हम बात करें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। नेशनल पार्क में यदि आप रिलेट करेंगे तो दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा हो जाएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब ओडिशा से बनने वाले कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मैंने यहाँ से ऐड किए हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप रहा 2022 का, आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में किया गया। विजेता इसका जर्मनी रहा था। यहाँ राउरकेला में ही 20,000 बैठक क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसका उद्घाटन किया गया। रिसेंटली जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित की गई। नुआखाई कृषि का फेस्टिवल है, ये ओडिशा का ही हो जाएगा। मू आवास योजना, ये भी ओडिशा गवर्नमेंट की पहल है, चर्चे में थी। यहाँ पहला न्यूज एंकर मिला है, एआई न्यूज एंकर, जिसे नाम दिया गया है लीसा, ये भी करंट का सवाल रहा है। जम्मू कश्मीर का कौन सा प्रोडक्ट रिलेट करेंगे आप जिसे जीआई टैग मिला है? तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं भद्रवाह राजमा और इसके अलावा सुलई हनी, इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है। असम का अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया है चोकुआ चावल के बारे में। और मध्य प्रदेश में यदि आप रिलेट करेंगे तो रीवा जिले का जो सुंदरजा आम है, इसके अलावा मुरैना जिले का जो गजक है, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, ग्वालियर की कालीन, इन सभी को जीआई टैग मिला है। हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल, पोर्ट कर देने वाला, फोल्ड कर देने वाला आप कह सकते हैं, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये गुजरात से लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि 72 चौकोर खानों में बंद है। ऐसे आपको फोल्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है ये इमेज? शायद मैं अच्छे से ऐड नहीं कर पाई हूँ, एक और ऐड किया जा सकता है इसमें। तो इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है, पानी में भी गिरेगा तो खराब नहीं होगा। और इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। युद्ध के मैदान में या डिजास्टर की लोकेशन पर इस अस्पताल को ले जा करके ऑपरेशन थिएटर को 8 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है, जिससे कि मरीजों का समय पर उपचार किया जा सके। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये, भारत का सबसे छोटा, दुनिया भारत में दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी हॉस्पिटल कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य है।
सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग यही गुजरात में सूरत में बनके तैयार हो रही है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना है, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। ये जो भावनगर आप देख रहे हैं ना, भावनगर में स्थापित किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में ही रहे, जिसमें सर्विसेज टॉप पर रहा। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक छठवां पॉइंट मैं यहाँ से ऐड कर देती हूँ, भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है ये कहाँ स्थापित किया गया, तो ये लोथल गुजरात में स्थापित किया गया है। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें, क्योंकि क्वेश्चन में है भारत का पहला, दुनिया का पहला कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ हम भारत के पहले को रिलेट करेंगे, तो सीएनजी टॉय ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन ये ना उदयपुर में लॉन्च की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में बनने जा रहा है। बिहार में आप क्या रिलेट करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो कि पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है। देखिए स्पीड मैंने बहुत कम रखी है मेरे हिसाब से आज, तो ऐसा भी नहीं कि मैं फास्ट भाग रही हूँ, स्पीड से सेटिस्फाइड है, तो भाई वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कहने के लिए तो हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन 10 × 4 कर दीजिए, 40 क्वेश्चंस तो आपके वैसे हो गए। ऑप्शंस के थ्रू भी हम एडिशनल जानकारी निकालते हैं, तो 40 क्वेश्चन ये आपके 10 क्वेश्चन से निकल करके आए। इसके अलावा मैपिंग और स्टैटिक जीके भी जो हम रिलेट करते हैं, तो आप माने या ना माने लेकिन आप बदल नहीं गए, डायलॉग कुछ और है। आप माने या ना माने लेकिन आपके डेली 50 से अधिक फैक्ट हैं जो कि कवर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक किताब जारी की है। वैसे आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ हमने, क्योंकि हाँ मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको पढ़ाया था कि ये लेट्स मूव फॉरवर्ड बुक ये धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की है, लेकिन मैंने नहीं बताया था किसके द्वारा जारी की जा रही है, इसलिए एडिशनल तौर पर मैंने सोचा ये जानकारी आपको दे दूं। यूनेस्को के सहयोग से, यानी कि एनसीईआरटी ने यूनेस्को के सहयोग से ये कॉमिक बुक लॉन्च की है, स्वास्थ्य पर यानी कि हेल्थ पर आधारित है। एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों ने मिलकर के इसे बनाया है। और वैसे एनसीईआरटी का डिस्कशन यदि हम करें, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये इसकी फुल फॉर्म बनती है एनसीईआरटी की, और इसकी जो स्थापना है 1961 में की गई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो महानिदेशक हैं या आप अध्यक्ष कह सकते हैं, ये हो जाएंगे दिनेश प्रसाद सकलानी, इसके हेड हो जाएंगे। अब यहां से इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। ये वही पेरिस है जहां नेक्स्ट ईयर का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक आप कह सकते हैं, ये आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जो मस्कट लॉन्च हुआ है ये फ्रीजियन कैप, अध्यक्ष इसके ऑद्रे अजौले हो जाएंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का भी मुख्यालय है। जबकि यदि मैं बात करूं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का ही मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रेसी डे जो कि मनाया गया है 8 सितंबर को, इस बार की थीम क्या है, एक लाइन में ये बस की पॉइंट याद रखिए, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। फिर इसके तो सब पॉइंट लिखे हुए हैं कि बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। तो हालांकि ये आप जरूर याद रखें कि भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वैसे बात की जा रही है साक्षरता की यानी कि लिटरेसी की, तो साक्षरता के मामले में भी हम देखें ना, तो हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है इसने साक्षरता रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें कि भारत का सबसे साक्षर राज्य ये बताया गया था केरल को, और सबसे नीचे इसमें बिहार को रखा गया था। 5 सितंबर को दो इम्पोर्टेंट डे हमने देखे हैं, एक तो नेशनल टीचर्स डे है, मैंने नेशनल इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि इंटरनेशनल टीचर्स डे आपका 5 अक्टूबर को आने वाला है। इसके अलावा नारियल दिवस यानी कि कोकोनट डे ये मनाया गया है 2 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवीय मिशन किस मंत्रालय से
संबंधित है या किस मंत्रालय की पहल है, तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल हो जाएगी, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नई दिल्ली में मालवीय मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है एक शिक्षकों के लिए विशेष रूप से और अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रोवाइड कराना है। कृषि मंत्रालय से यदि हम रिलेट करें तो इसने कृषि क्षेत्र का पहला जो AI चैट बॉट लॉन्च किया था, इसका नाम था अमा कृषाई। रक्षा मंत्रालय से आप रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे नए रक्षा सचिव बने हैं गिरधर अरमाने, वैसे रक्षा मंत्री का नाम आप जानते ही हैं, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे। मैंने गृह सचिव का डिस्कशन किया है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, रक्षा मंत्रालय का डिस्कशन है। तो रक्षा मंत्रालय में अभी सचिव के रूप में गिरधर अरमाने की नियुक्ति की गई है, और रक्षा सचिव हो जाएंगे गिरधर अरमाने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएंगे। जबकि गृह मंत्रालय से आपको रिलेट करना है ऑपरेशन मुस्कान, कुछ याद आया? अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं, मुंबई में मानव तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने जो ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण लॉन्च किया है? तो ये कोड उपकरण जो कि विकसित किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा, इस कोड की फुल फॉर्म बनती है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट एंड एनवायरमेंट डिवाइसेस। घरों में शुद्ध हवा को सुनिश्चित करने के लिए ये लॉन्च किया गया, एक तरह का एयर प्योरिफायर है जो कि हवा में मौजूद 99.99% हानिकारक वायरस को डिटेक्ट करने में, से निष्क्रिय करने में सक्षम है। IIT कानपुर के द्वारा भारत का पहला कृत्रिम हृदय, भारत का पहला AI आर्टिफिशियल हृदय, AI हृदय नहीं लिखूंगी, भारत का पहला, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल हार्ट, कृत्रिम हृदय विकसित किया गया। IIT मद्रास ये नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में फिर से टॉप पर है। IIT बॉम्बे, तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई थी ना अभी हाल ही में, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ये टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन 8 के बाद सीधे 10 आ गया, 9वां मिसिंग है इसमें, माफ कीजिएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को प्रमुख जो कि बन गए हैं मनीष देसाई। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसकी स्थापना 1919 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। प्रवीण सूद जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक है। अनिल चौहान हो जाएंगे CDS के, भारत के नए CDS है ये, और रवि सिन्हा ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हो जाएंगे। मैंने कल आपसे आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा, देखिए सोलर मिशन है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, तो उसका आंसर था निगार साजी। आज का सवाल है आपका, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास, इन्हें कौन सी रेटिंग मिली है? तो आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।